है वो सब गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो सारे? आज हम करें हम इसका फोटो एडिटिंग। सो गाइस को पता है आप लोग लॉकडाउन में बहुत बोर हो रहे हो, बट चलो कोई नहीं, खैर कभी ना कभी खुल ही जाएगा, तो टेंशन मत लेना और खुल ही जाएगा, इतना टेंशन मत लेना। और यार वीडियो को देखना पूरा लास्ट तक, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। वो रेडियो वाला बटन है ना, वहाँ पे तुम मुक्का मारो या कुछ करो, लेकिन यार सब्सक्राइब जरूर करो बस। एंड लाइक तो आप कर ही दोगे देखते देखते। यार ज़्यादा बकवास ना करूँगा, मैं चलता हूँ वीडियो की ओर। सो गाइस हम अपने गैलरी में आ चुके हैं। सो मैंने इस फोटो से इंस्पिरेशन लिया है इस फोटो को एडिट करने के लिए। सो गाइस इसका मैंने बोर्ड को कटआउट कर लिया है, एंड ये बैकग्राउंड आज हम यूज़ करेंगे। एंड ये सब हमारा रहा टूल, एंड ये रहा हमारा बंदा, और इसको मैंने रिटचिंग कर लिया, और इसको मैं ऐसा बनाऊँगा, देख लो गाइस। एंड इसको हम करेंगे शेयर, ये नया वाला ऐप है तो इसको करेंगे हम शेयर पिक्सेल प्रो में। यहाँ से अच्छी क्वालिटी की आप लोगों को मिल जाएगी, तो इसमें इफेक्ट में जाना, आप इनसाइड पिक्चर करना, एंड उसके बाद जाने के बाद अपने मॉडल को ऐड करना सबसे पहला स्टेप, एंड इसको टिक मार के अपना एडजस्ट कर लेना अच्छे तरीके से। कर लेते हैं हम, ये हो गया, एंड इसको ऑपेसिटी थोड़ा, एंड इसके बालों को वाइटनेस ज़्यादा है, इसको थोड़ा थोड़ा मिटा लेते हैं। यार आप लोग पीछे से इरेज करना बैकग्राउंड ताकि फोटो अच्छा लगे दिखने में, एंड इसको नो करेंगे, एंड फिर इफेक्ट वाले टूल में जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर करेंगे, एंड लेंगे ब्रश का PNG, एंड इसको करेंगे ड्रॉ, और यहाँ से कर देंगे ठीक, एंड इसको कर लेंगे एडजस्ट। ऊपर वाले हाथ पे जो हिस्सा आ रहा है उसको कर लेंगे हम इरेज, वो भी अच्छे तरीके से इरेज कीजिएगा, ये नहीं कि जिस तरह भी आप लोग कर दिए वो नहीं, अच्छे तरीके से आप लोग इरेज कर लीजिएगा। ये देखो, मान लो यार यहाँ पे हमको उगाना हो तो यहाँ से आप ड्रॉ टूल जैसा होगा यहाँ से अपना ओपेसिटी साइज बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, एंड आप उगा भी सकते हैं। यहाँ से उगा लिए हम, एंड नीचे का हिस्सा बाकी इसको भी हम उगा लेते हैं। एंड नाउ एंड गाइस इसी तरह हम अपने सारे PNGs को धीरे धीरे ऐड कर लेंगे एक एक करके। ये हो गया कट एंड टेक एंड ऐड, एंड गाइस सारे के सारे PNG हो गए ऐड हमारे, एंड एक और PNG जो हमने कटआउट किया था बोर्ड का वो ये रहा, एंड इसको कह देंगे ठीक। ये आपके बैकग्राउंड से डायरेक्टली मैच हो जाएगा, अगर ये बैकग्राउंड आप यूज़ करते हो तो डायरेक्टली एकदम सेट हो जाएगा। एंड देख लो कहीं छूटा उटा हुआ अगर था उसमें भी आप कर सकते हो, बट मेरा सही है, मैच कर लेंगे ठीक, एंड कर लेंगे इसको, ये देख लो ठीक है, इसको कर लो डन। एंड गाइस हमारा बाल ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है तो कटआउट करो, एडजस्ट में जाके एंड सबसे नीचे में जाना पेंट एंड मास्क सिलेक्शन में जाकर अपने हाईलाइट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एंड इसको हम अपने बालों पे उगा लेंगे। जहाँ जहाँ आपके बाल हाइलाइट्स हो रहे हैं वहाँ पे आप अपने ग्रीन कलर को आप उगा लेना, ये हो गया, एंड टिक मार के आप चले जाना फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, एंड कॉन्ट्रास्ट होगा तो इसको एब्सेस में जाके एंड इसका
पहले कंट्रास्ट को कम कर लेते हैं, नहीं थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए यार, आप कंफ्यूज हो जाएगा। एप्सियोस में जाके इसका ब्राइटनेस को कम कर लेंगे। देखो यार, हम लोग का हाइटलाइट्स कम हो रहा है इसमें, एंड कंट्रास्ट में जाके थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। समझ में नहीं आता ये, ठीक। एंड देखो यार, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की आप लोगों की फ़ोटो बन सकती है अगर आप ये यूज़ करते हो तो। एंड इसका टेक्स्ट में आप जाकर टाइटल में जाकर एंड इसका सबसे लास्ट किधर गया, देखो बहुत सारी इसमें टेक्स्ट का दिया हुआ, तो हम सबसे लास्ट वाला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे लास्ट वाला पे हम जाएंगे एंड इस पे हम अपना जो आपका मर्जी होगा आप लिख लेना। हम यहाँ पे लिखेंगे आर्टिस्ट एंड इसके ऊपर हम चिपका देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। एंड गाइस, ये अच्छे से हो जा, ये हो गया ऐड। एंड इसको कर लो भाई लोग, अब देख लो यार अच्छे से हो गया ना एडजस्ट, थोड़ा सा नहीं ठीक है। एंड इसको गाइस कर लो आप लोग शेयर, एक्सपोर्ट सेव एज टू एल्बम एंड पिक्सार्ट में हम करेंगे सेव। तो ये हो गया हमारा सेविंग, एंड चलेंगे अपने दूसरे ऐप यानी लाइट रूम में। एंड लाइट रूम हो गया मेरा ये ओपन, एंड लाइट रूम इसको हम कर लिए हम इम्पोर्ट। एंड इसमें हम अपना एक DNG आप लोगों को देंगे, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी अपना DNG यूज़ कर सकते हो इस पिक में लगाने के लिए, तो हम यही यूज़ करेंगे। एंड इसको कर देंगे पेस्ट यहाँ से, ये देखो हो गया एकदम सेव टू सेव एडिटिंग। एंड बंदा तैयार है यार, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट भी कर लेना ताकि अच्छा लगे आप लोगों की फ़ोटो। नॉइज़ डिटेक्शन बढ़ा लेता हूँ ताकि स्मूथ हो जाए हमारी फेस स्किन, ठीक है गाइस। आप लोग देख लेना, आप लोग को जैसा को कलर ग्रेडिंग चाहिए आप लोग कर लेना। अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई हर्जा वाली बात नहीं है। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो या वीडियो को, ज़रूरी नहीं है तुम्हारा मन करे तभी। गाइस इसको कर लो अपना एक्सपोर्ट, यहाँ से कर लेंगे JPG एंड कर लेंगे ये, ठीक है। एंड इसको कर लो एक्सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक ले बाय।